आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर पलवल विधायक दीपक मांगला के प्रतिनिधि को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग है। आढ़तियों का कहना है कि उनकी मांग है कि किसानों की सभी फसलें सरकार द्वारा MSP पर आढ़तियों के माध्यम से खरीदी जाएं। उन्हें 2.5% का कमीशन मिलना चाहिए। पिछले साल MSP का सीधा भुगतान किसानों को दिया जा रहा है, जिससे आढ़तियों के साथ साथ किसानों में भी काफी रोष है। तो सरकार ने काला कानून निकाला है जिसमें बिल्कुल जो व्यापार चौपट हो जाएगा, किसान परेशान होंगे, आर्थिक परेशान होंगे। एक ऐसा कानून है कि बिल्कुल व्यापारियों का काम बिल्कुल चौपट हो जाएगा, बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये कानून सरकार ने बिल्कुल एकदम जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रही है सर, जिसके खिलाफ हमने आज जो मंगला जी थी की गैरहाजिरी में उनके पीओ को हमने आज वो ज्ञापन दिया। सोशल मीडिया पर सोनीपत पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद से हरियाणा फोटोग्राफर एसोसिएशन ने संज्ञान लिया है इसका। फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इसको लेकर SP को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कार्रवाई न होने पर पूरे हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों से भी कॉल करके प्रोटेस्ट को तेज करने की चेतावनी दी है। देखो जी, हमारा एक साथी के साथ पुलिस के स्टाफ ने बहुत मतलब गाली गलौज की है, जो हमें ऐसा लगता है जैसे शायद हम आतंकवादी हैं। हमारा एक साथी था वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, चलो वो एक सब है उसमें गलत बिल्कुल नहीं बोला वो। जैसे उन्होंने हमारे सुमित जी हैं, ये हमारे सुमित जी बिल्कुल अपने गेस्टों के साथ बैठा हुआ था, चलो उनका भी काम है चेकिंग करना, चेकिंग करो। उसने ये पूछना चाहिए था आप गलत तो नहीं है, तो निकल जाना चाहिए था। उन्होंने आपने देखा जो वीडियो वायरल किया भाई ने। पिता की डांट से नाराज होकर घर से भागे बच्चे को परिजनों से मिलवाने में स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने सफलता हासिल की है। नाराज छात्र अपने साथी के साथ ट्रेन में बैठकर अपने घर से कोसों दूर पहुंच गया था, जिन्हें गाजियाबाद से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम के प्रभारी SI संजय भडाना ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि गाजियाबाद स्थित अनाथ आश्रम में दो बच्चे हैं जो कि अपने आप को पलवल का बता रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने स्वयं बच्चों से बात की और बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। ये स्कूल भेजे थे, स्कूल से ये स्कूल गए नहीं, उसके बाद में ये सीधे कहीं बाहर निकल गए। पूरे दिन इन्हें तलाश करते रहे, जब इनके फादर ये लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं किराए पे, तो जब इनके फादर ने बताया कि जी बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो शाम को जाके गठवारी चौक पे वो किया, चौकी में कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बावजूद उन्होंने बोला एक जी पता करेंगे, जब पूरी रात भर देखते रहे कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद में फिर दिन में क्राइम ब्रांच से टीम आई, तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह दिखाए, फ़ोटो पहचान लिए गए। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जी आज तो संडे है और कल आप हमारे साथ चलो, हम बच्चों को तैरा के लेंगे। उसके बाद में गाजियाबाद गए, गाजियाबाद से बच्चों को सही सलामत ले लिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पशु चिकित्सकों की लापरवाही के खिलाफ 7 दिनों से धरने पर बैठे गौरक्षकों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर दिखाई दिया। उपचार न मिलने से मरे गौवंश के शव को लेकर गौरक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया गया, साथ ही पशुपालन मंत्री आवास पर पहुंचे और गौरक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा गाय के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार को आज गायों की बजाय चीतों की चिंता है। साथ ही गौरक्षकों ने चेतावनी दी कि आरोपी पशु चिकित्सकों को सस्पेंड न किए जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। सोचने का विषय है, गौ माता लगातार मर रही है, जिस प्रकार से लिपी वायरस की जो बीमारी है उसने विकराल रूप ले रखा है और राजस्थान के अंदर आपने देखा किस प्रकार से दिन प्रतिदिन गाय मर रही है और हरियाणा के अंदर भी ये बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। तो दिन प्रतिदिन जो गाय है वो मर रही है, सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए और सरकार को गाय माता का इलाज कराना चाहिए। आज हमारे साथी ने बताया कि कल गौ माता तरफ रही थी पर अंदर से जो जुलाना से होकर गुजरने वाले NH-152D नारनौल टू अंबाला के ऊपर जुलाना के नजदीक एक आइसर कैंटर जो बिदोले की बोरियों से भरा हुआ था, रात को अचानक पलट गया। कैंटर के नीचे आने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये सूचना मिली थी कि 152 पली जवाना गाँव के पास जो पुल है उसके ऊपर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, जो इस सूचना पर आए हैं। तो यहाँ ये एक्सीडेंट हो रखी गाड़ी और इसके अंदर एक
लड़का इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। एक डेड बॉडी नीचे दबी हुई है। कौन सी गाड़ी है? गाड़ी आइसर की है, बड़ी गाड़ी है। क्या मालिक इसमें बिनोला भरा हुआ है? कुछ पता चला कहाँ से कहाँ गाड़ी थी? अभी तो कोई पता नहीं चला, इनके मालिक से बात हुई है, वो गाजियाबाद के हैं, बाकी उनसे वो आने लग रहे हैं, उनके बंदे आने लगे। डेड बॉडी निकालने की कुछ कार्रवाई शुरू करी? अभी गाड़ी खाली कराएंगे और गाड़ी को फिर सीधा करा के ना डेड बॉडी निकाली जाएगी। वैसे नीचे काफी सत्य सटीक बेबाक